फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर YouTube चैनल विद्या प्लस। आज हम लोग जो है बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि हमारे IRT पॉलिटेक्निक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस पे आज हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, हमारे सामने जो स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया गया। उसी भवन की तली से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है ऑप्शन ए 22.5 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 45 मीटर और ऑप्शन डी क्या है 15 मीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से। तो चलिए मान लिया कि ये क्या है, हमारा एक भवन है, ये हमारा भवन है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है 15 मीटर, ये ऊंचाई हमारी है 15 मीटर। 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, शीर्ष मतलब ये ऊपर के भाग से क्या है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया गया। तो देखिए जो हमारा उन्नयन कोण होता है ये ऊपर की ओर होता है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, इधर हमारा मीनार है, ठीक है। अब यहां से जो यहां से कोण बन रहा है, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष के बीच का जो कोण है ये कितना है 30 डिग्री है। उसी भवन की तली से, भवन की तली यहाँ पे है, उसी भवन की तली से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ये हमारा जो कोण यहाँ बन रहा है, ये कोण हमारा क्या है 60 डिग्री है। तो आगे क्या कह रहा है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, ये ऊंचाई हमको बताना है। तो मान लिया कि ये मीनार की ऊंचाई क्या है H है, ठीक है। अगर ये 15 है तो यहां भी 15 हो जाएगा, और यहां के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया कि ये मान लिया कि यहां यहां इसके बीच की दूरी क्या है D है, कि ये भी क्या हो जाएगा D हो जाएगा। और यहां H जो है ये इतना 15, इस वाले को हमने X मान लिया, यहां नाम दे दीजिए, इसको हमने नाम दे दिया A B C D E। तो यहां देखिए बच्चों, हम लोग लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 इक्वल हो जाएगा, लंब बटा आधार होता तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी हो जाएगा, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहां हो जाएगा एक्स अपॉन डी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डी बराबर क्या हो जाएगा x√3, समीकरण एक बना दिया। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में हम लोगों ने लगाया tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल यहां पे लंब कितना है h, और यहां पे इनके बीच की दूरी क्या है d है। तो यहां से देखिए tan 60 का मान होता है √3, एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 प्लस एक्स लिख सकते हैं, इसे हम लोगों ने लिख दिया 15 प्लस एक्स, और डी जो है आप देखिए डी की जगह पे हम लोग x√3 रख सकते हैं x√3। तो यहां से देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर जाएगा √3 का √3 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 15 प्लस एक्स। तो यहां से देखिए ये प्लस एक्स को उधर किया तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स बराबर 15, यहां से आ जाएगा 2x बराबर कितना 15, तो x बराबर हो जाएगा 15/2। तो यहां से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। तो यहां से देखिए जो हमारी मीनार की ऊंचाई h है, h बराबर हो जाएगा 15 प्लस x, x का मान है 7.5, तो यहां से देखिए आ जाएगा 22.5 मीटर। तो बच्चों ये हमारे सामने देखिए आंसर आ चुका है, और यहां पे देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद बच्चों चलिए देखिए हम लोग आगे जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा हाइट और डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। यहां पे उन्नयन कोण की बात हुई है, वहां पे अवनमन कोण की बात हुई है। उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर बनता है, जबकि अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है।
तो क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई है ऑप्शन ए 16.56 मीटर, ऑप्शन बी 16.06 मीटर, ऑप्शन सी 16.50 मीटर, ऑप्शन डी 19.68 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर दो की अगर हम बात कर रहे हैं, पहला क्या बोला है किसी मीनार के शिखर से, तो हमने क्या किया एक मीनार बना लिया, चलिए ये हमारा क्या हो गया मीनार हो गया। किसी मीनार के शिखर से एक भवन, इसके सामने मान लीजिए कि ये क्या हमारा कोई भवन है, इधर हमारा मीनार है और इधर क्या है भवन है, ठीक है। तो यहां देखिए इनके अवनमन कोण क्या है 45 डिग्री एवं 60 डिग्री, यहां से देखिए ये कोण ऐसे यहां से ये जो मिलेगा ये वाला क्या बन रहा है भी 45 डिग्री यहां बन रहा है। फिर उसके बाद क्या है आधार के साथ कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ये यहां पे बन गया इसका 60 डिग्री। तो यहां से देखिए अगर हम लोग यहां से इसको देखेंगे तो ये वाला भाई अगर हम बात कर लें, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी और ई, ठीक है। यहां देखिए ये 45 है तो यहां देखिए ये 90 रहेगा, ठीक है, और इसके हिसाब से ये वाला भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये यहां तक 60 बना रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। इनके बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, ये डी मान लिया है, ये डी मान लिया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है भवन की ऊंचाई कितना दिया है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर दे रखा है, मीनार की जो ऊंचाई है ये हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई जो एच है, ठीक है, और इतनी चीज की दूरी को हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, ये 7 है तो यहां तक की भी दूरी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब सीधा जो है त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में टैन 45 इक्वल हो जाएगा लंब बटा आधार एक्स बाई डी, यहां से होता है इसका मान 1 एक्स अपॉन डी, तो मतलब डी बराबर क्या हो गया एक्स हो गया, समीकरण एक बना दो। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में हम लोग लगाएंगे टैन 60 इक्वल, टैन 60 इक्वल हो जाएगा टोटल हाइट एच अपॉन में आधार में क्या है डी, यहां से टैन 60 का मान होता है रूट 3, एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेवन प्लस एक्स लिख सकते हैं सेवन प्लस एक्स, और यहां पे डी बराबर क्या है तो यहां पे हमने रख दिया एक्स, यहां से देखिए हो जाएगा रूट 3x, यहां बचेगा सेवन प्लस एक्स, ये इधर अपॉन में था इधर इंटू में हो गया, इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट 3x माइनस एक्स अपॉन में सेवन, रूट 3 माइनस 1 इधर एक्स अपॉन में सेवन, तो एक्स बराबर हो जाएगा सेवन अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो बच्चों यहां देखा इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, परिमेयीकरण में क्या होता है इस तरह की चीजें मिलती है चिन्ह अपोजिट करके जो है ऊपर नीचे उसी चीज का गुणा कर देते हैं, इसका हमने जो है क्या किया परिमेयीकरण किया, तो ये हो जाएगा सेवन रूट 3 प्लस 1, और यहां देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x बराबर देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा सेवन, यहां बचेगा रूट 3 प्लस 1, ठीक है, यहां देखिए 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो यहां पे बचेगा 2, तो x बराबर यहां पे हो जाएगा 7 बाई 2 को हम लोग अगर देखें तो लिख सकते हैं 3.5, ठीक है, यहां पे देखिए ब्रैकेट के अंदर रूट 3 का मान होता है 1.732 प्लस 1, तो यहां से x बराबर जो हो जाएगा 3.5 इंटू ये इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2.732, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देखिए x बराबर देखिए क्या आएगा 2.732 में हम लोग 3.5 का गुणा करने वाले हैं, 5 दूनी 10 पंत यानी 15 16
पांच सत्य 35, एक 36 के 6 हासिल लगा 3, पांच दूनी 10, 10 3 13, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सत्य 21 के हासिल लगा दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, ये हो जाएगा 0, 6, 6 12 के 2, 9, 6 15, 1 16, 3, 1 4, 1 5, ये हो जाएगा 9, 3 अंक बाद ऊपर 1 अंक बाद नीचे, तो ये हो जाएगा 9.562, x बराबर आ गया 9.562, ठीक है। ये हमारा x का मान आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो बच्चों यहां देखिए मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर जब हम लोग करेंगे इसकी बात करें मतलब 7+x, ये मान जो आया ये x का है, ठीक है। अब इसी में जो है आप 7 ऐड कर दीजिए, जब 7 इसी में आप प्लस करेंगे तो देखिए आंसर आ जाएगा 9, 7, 16, 16.562 आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन देखिए हमारा ए दिया है 16.56, तो यहां से ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, दूसरे का आंसर क्या है 16.56 मीटर। तो बच्चों इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1+cot θ - cosec θ, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1+tan θ + sec θ का मान है, ठीक है। और हमारे सामने देखिए कुछ वैल्यूज के लिए ऑप्शन में 1/2, √3 है, उसके बाद जो है 2 है और 1 है। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, 1+cot θ - cosec θ, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1+tan θ + sec θ। तो बच्चों यहां देखिए 1+cot θ होता है हमारा cos θ / sin θ, ये हो गया cos θ / sin θ, माइनस cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin θ, इधर देखिए ये हो जाएगा 1+tan θ होता है हमारा sin θ / cos θ, और sec थीटा होता है 1/cos θ। तो यहां से देखिए यहां पे 1/1 समझिए, यहां भी 1/1 समझ लीजिए, sin थीटा का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर sin थीटा आ जाएगा, ये हो गया sin थीटा, ठीक है। तो यहां से जो 1 से जब इसमें sin थीटा भाग देंगे sin थीटा आएगा, sin थीटा का गुणा 1 में, तो यहां बचेगा sin थीटा प्लस sin थीटा से sin थीटा में भाग देंगे 1 बचेगा, 1 का गुणा cos थीटा में, दिया हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा से sin थीटा में भाग बचेगा 1, 1 का गुणा 1 में, दिया हो जाएगा 1। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे आएगा cos थीटा, ठीक है, इसके बाद ये वाला हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। तो यहां देखिए बच्चों दोनों चीजें क्या है, इनटू में है, जब इनटू में होगा जब हम इसको गुणा करेंगे, चलो हमने एक साथ इसको कर दिया, ये वाला हो गया sin थीटा cos थीटा, नीचे नीचे का गुणा हो गया, ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, यहां देखो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक फार्मूला होता है a² - b² उसके हिसाब से अगर हम लोग इसको ओपन करें तो क्या होगा, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है। तो चलिए देखिए इधर आगे देखते हैं, जब इसको हम लोग जब ओपन करेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin² θ + cos² θ + 2 sin θ cos θ, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर तो बचेगा माइनस 1 अपॉन में, देखिए क्या है sin θ cos θ। तो बच्चों हम लोगों ने जो है सरल संहिता बना रखा है, sin² θ + cos² θ का मान क्या होता है 1,
तो ये वाला मान पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला मान पूरा हमारा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट, बचेगा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से साइन थीटा कॉस थीटा ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा केवल 2 बचेगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो अगर हम लोग ऑप्शन पे नजर डालें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है क्या है, सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए कोण बी और कोण सी का जो योग दिया है वो दिया है 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मान पूछा है sec c by 2 sin a by 2 cos b by 2 plus cos a by 2 sin b by 2 sec c by 2 का मान होगा, ऑप्शन में दिया है 0 1 2 3। ठीक है, तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, देखिए क्या दिया है, कोण ए कोण बी और कोण सी बराबर क्या दिया है 180। ठीक है, सब देखो ए बाई टू के टर्म में पूछा है, ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर जब दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो ये वाला हो जाएगा a by 2 plus b by 2 plus c by 2 equal क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a by 2 करो b by 2 करो c by 2 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 90 minus c by 2। ठीक है, इसके बाद दोनों पक्षों में आप ले लो साइन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन a by 2 plus b by 2 इक्वल साइन 90 माइनस सी बाय 2। इधर देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्योंकि क्या होता है साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के प्रयोग से इसको ओपन करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए बाई टू। ठीक है, साइन है ए बाई टू, उसके बाद हो जाएगा कॉस बी बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू साइन बी बाई टू, ये वाला हमने ओपन कर दिया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमारा फर्स्ट चतुर्थांश में जाता है तो वहां पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन से कॉस में होगा लेकिन क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा कॉस, थोड़ा सा बराबर करके नीचे लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा कॉस सी बाई टू। ठीक है, अब क्या करो बच्चों, दोनों पक्षों में cos c by 2 से भाग, जब हम दोनों पक्षों में cos c by 2 से भाग दे रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा sin a by 2 cos b by 2 अपॉन में cos c by 2 हो जाएगा प्लस यहां पे हो जाएगा cos a by 2 sin b by 2 अपॉन में cos c by 2। जब यहां cos c by 2 में जब cos c by 2 से हम लोग भाग देंगे तो मान क्या बचेगा, यहां पे 1 बचेगा। ठीक है, अब यहां देखो ये cos c by 2 है, इसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं sec c by 2, ये हो गया sec c by 2 sin a by 2 cos b by 2 प्लस ये वाला हो जाएगा sec c by 2 cos a by 2 sin b by 2 इक्वल हो जाएगा sin b by 2 इक्वल क्या हो जाएगा 1। अगर हम लोग गौर से देखें क्वेश्चन को, आप देखिए इसी चीज का मान पूछा है, इसका मान क्या आ गया 1 आ गया,
ऑप्शन में देखिए बी हमारा क्या दिया है 1, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा बी सही हो गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, इस पे आधारित है, साथ में हाइट और डिस्टेंस पे भी आधारित है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, ठीक है, चलो मान लिया एक हमारा पुल है, ये मान लिया कि ये हमारा पुल है जिसकी ऊंचाई क्या है 15 मीटर है, ठीक है, आपको कोई पुल बना है जो 15 मीटर ऊंचा है, ये हमारा क्या है पुल है। एक 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है। चलिए इधर कोई जो है ये धारा, इधर क्या है कोई नाव चली आ रही है, इसका एक अवनमन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। देखिए बच्चों ये जब समकोण त्रिभुज बनता है ये 90 होता है ना। इसके बाद देखिए अगर अवनमन कोण ऊपर से नीचे होता है, ये इधर इतना 45 है, ये टोटल 90 है, ये 45 होगा, जब ये 45 होगा, ये 90, ये 45, तो यहां कितना बचेगा 45 बचेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, ये जो नाव है इसकी चाल दी है 6 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, तो नाव पुल के नीचे पहुंच जाएगी, तो यहां पे अगर नाव पहुंचेगी तो यहां पे कितने समय बाद ये पहुंच जाएगी, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ऑप्शन हमारे क्या दिए हैं, सब सेकंड में दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब 6 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम 6 को 6 को हम लोग लिख सकते हैं इंटू 5/18 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 × 6 = 18 का प्रयोग आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में आ गई है, ठीक है। तो यहां देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम दे दो ए बी सी, हम लोग इसमें जो है त्रिभुज ए बी सी में tan 45 अप्लाई करेंगे। जब tan 45 अप्लाई करें तो यहां क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, चलिए इसके बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया d मान लिया, तो ये हो जाएगा 15/d, tan 45 का मान 1 होता है तो ये 15/d, तो d बराबर क्या आ गया 15 मीटर, ठीक है। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी हमारी हो गई 15 मीटर, चाल हमारे पास है 5/3 मीटर पर सेकंड, तो चाल वाला फॉर्मूला लगाइए, चाल बराबर दूरी बटा समय से, ठीक है, चार हो गया 5/3, दूरी हमारी है 15 और समय हमसे पूछा है, तो हम लोग टी बराबर लिख सकते हैं 15 × 3, ये इधर इंटू में जाएगा और ये इधर आएगा पौन में, 5 × 5 पंक्तियां 15, 3 × 3 का मतलब टी बराबर 9 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे 5 क्वेश्चन को देखा है, इसके बाद का अगला लेक्चर जो है इसी प्रकार के क्वेश्चनों पे आधारित होगा, तो आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद।